हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिवानी गुजरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे और हम भी ठीक है और आप भी ठीक हो। तो गाइस, पानी गिर गया था। तो गाइस, अब हो गई सुबह और मैं अपना ब्लॉग इस वजह स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह भी नहीं कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, मतलब वो 9:30। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 से। इस टाइम पे मैं बना रही हूँ चाय, आज ही आ रही हूँ। इस टाइम पे मैं बना रही हूँ चाय और सारा से स्कूल जा चुका है। तो गाइस, आज था वो टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो स्कूल गया है आज, तो बहुत खुश होकर गया है। लेकिन थोड़ी सी क्लिप बनाई जो हो गया उसमें आगे ऐड करूँगी, और क्योंकि नए कपड़े पहन के गए हो तो गाइस बहुत अच्छा, नए कपड़े से बहुत खुश रहता है। तो आज टीचर्स डे, वो स्कूल जा चुका है और मैंने भी सब्जी वगैरह बना ली है। फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए। ये सब काम मेरा हो चुका है, चाय बना रही हूँ। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है खाने में। आज मैंने आलू की सब्जी बनाई है और घिया कराया था, बनाऊंगी। घिया मान लिया है मैंने, और रोटी, और सारांश के लिए मैंने पनीर के परांठे दिए थे क्योंकि चाय निकल गई, चाय निकल गई मेरी, बच गई थोड़ी सी, लेके निकल गई गाइस थोड़ी सी। क्या ही कर सकते हैं, निकल गई निकल गई तो निकल गई, क्या ही कर सकते हैं। तो उसको मैंने पनीर के परांठे दिए थे लंच में। वो पनीर के परांठे खुश होकर खा लेता है, खाता तो मैं उसको कुछ भी नहीं। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, हर चीज़ छोड़ता जा रहा है, हर चीज़ कुछ ना खाता हूँ बस। वह खेलने के सिर्फ खेलने के सिवा कुछ ना सोचता हूँ, बस खेलना हुआ सारे दिन। आगे भी स्कूल से? हाँ, मैं स्कूल से आके जब तू लाइट की सीरियस वहाँ खड़े हो बड़ी देर को। और पहले आप ये बताओ कि मैंने क्या 11:30 बजे लिख रहे हैं स्कूल कॉपी में, डायरी में, उन्हें जल्दी छुट्टी कर दी। सीरियस तो बहुत देर खड़े हो, नहीं मिले रहा ना वो ट्रैक्टर आए खड़े हो 11:30 बजे की लिख रही। 11:00 बजे आ लिए सीरियस, जब इसमें मैंने कही ना मैं चली जाऊँ। सुन मेरी बात सुन, मुझे छोड़ो, मुझे ना, मैं तो 11:30 बजे जाती, मुझे छोड़ो। पहले मुझे बताओ आपने स्कूल में क्या क्या किया मैडम ने कुछ? मुझे छोड़ो, पहले बताओ ना, मुझे छोड़ो। अपने कपड़े दिखाओ, चलो ये नए कपड़े पहन के गया था स्कूल। अब देखो इसको आई कार्ड भी नया मिला है, बहुत बदतमीजी बनवाना था ब्लॉग, बहुत कम है। मुझे छोड़ो तो अब पकड़ लिया मैंने, तो स्कूल से आ गई हूँ। इसकी मैडम ने इसको चॉकलेट दिया है ना, उसे मैं खा लेती हूँ। कहाँ गई वो चॉकलेट, कहाँ है? पेट में दिखाई, कहाँ पेट में दिखाई? ये बिखेर दिए सारे एप्पल, सारे एप्पल बिखेर दिए, कहाँ तेरे पेट में दिखाई? अरे अभी तो चॉकलेट हाथ में ले रखी है, कहाँ रख दी हो? खाली कब खाई? हाय गाइस, तो गाइस यहाँ पे मेरा फ़ोन उल्टा रखा है, मुझे भी नहीं पता कैसे फ़ोन उल्टा हो गया, मैंने तो सीधा रख रखा था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दोपहर हो रही है और मैं दोपहर में पापा के लिए चावल बना रही हूँ। हम सब ने तो रोटी सब्जी खाई थी, पर पापा ने अपने लिए चावल ही बनवाए थे, तो मैं वही बना रही हूँ चावल। ठीक है गाइस, और वो गाइस मुझे फ़ोन की तो पता भी नहीं चली कैसे रखा है, मेरा फ़ोन उल्टा सीधा सा है, मुझे कुछ नहीं पता। पापा ने अपने लिए पीले वाले चावल बनवाए, कम नमक मिर्च वाले, पापा को कम नमक मिर्च वाले खाते हैं पापा, और आजकल पापा चावल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे। और फिलहाल यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। ये तो जा चुके हैं दुकान पे, सारांश भी स्कूल से आ गया है, और अब खाना बना रही हूँ मैं सबके लिए। पापा के लिए चावल रखे हैं साइड में कुकर में, इतने में रोटी बना दूँगी। तो गाइस यही सभी चल रहा है बस हमारे यहाँ पे। तो और सारांश बहुत इतराता है, बहुत ही ज़्यादा, ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं बनवाता और ना ढंग से बात करता। जब ब्लॉग लगेगा ना फ़ोन चालू है, जब कुछ नहीं करेगा, और उसके बाद बहुत एक्टिंग करता है गाइस वो। हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस अब हो गए शाम, ठीक है, शाम के 7 बज रहे हैं, और
अभी मैंने आलू बनने रख दिए, देखो मुड़का मेरा कुकर पे आलू, मेरी पूजा हो चुकी है तुलसी जी पे, दिख रही है सामने गाइस, और मेरी मंदिर की पूजा भी हो गई है, और फिलहाल मैं आलू बन रहे हैं। देखो मैं आलू से क्या बनाते हैं, देखो हमें प्रेस के कपड़ा है, अभी खाना बनाने के बाद मैं प्रेस करूँगी, ठीक है। और गाइस आप बताओ सब कैसे हो, हमारे तो घर में बस यही चल रहा है। मेरे सास से फ़ोन नहीं पकड़ जाता, बहुत देर तक इस पकड़ बैठे रहे ना, ऐसे देख देखियो दर्द सो जाते आते हुए। तो चलो गाइस अब हम बनाते हैं, आलू के पराठे बनेंगे, आलू की सब्ज़ी बनेगी, सुबह तो आलू की सब्ज़ी बनी ही, अब मेरा मन आलू के पराठे बनाने का है, और देखते क्या होता है। हमारे घर में आलू ही ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि हमारे घर में सब आलू के ही दीवाने हैं। ओके, और सारंश भी बाहर गया हुआ है और माँ जी भी बाहर हैं, ठीक है। और मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, फिलहाल मैं अपनी रसोई में जाती हूँ, तो कोई नहीं थोड़ा काम कर देती हूँ। चलो गाइज मैंने थोड़े से बर्तन पड़े हैं उन्हें कर लेती हूँ, और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, आलू मेरे बने करते हैं, बनेंगे आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैंने पापा के चावल छोक दिए हैं, इतने पापा के चावल छुकते हैं, इतने मैं दवाई कह रही हूँ, दूध जमा लेती हूँ और मलाई जमा देती हूँ, आज हमारी मलाई जमेगी, 3-4 दिन में एक बार मलाई जमाते हैं इकट्ठी, ठीक है। ये मलाई मैं सजाऊंगी, गाइस अभी मेरे को दूध भी जमाना है, दूध मेरा भी गर्म है, मैंने भी गर्म करा है इसको भी, और ठंडा होगा उसके बाद जमाऊंगी, तो मलाई मेरी ठंडी होगी तो मैंने जमा दी, और चावलों में सीटियाँ नहीं बाकी है, चावलों में सीटियाँ देंगी पापा दूंगी, ठीक है। गाइस सबके लिए आलू के पराठे रहते हैं, पापा को चावल बनाना, ओके चलो मिलेंगे थोड़ी देर में, अभी मैं अपना काम कर ही लेती हूँ, ब्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहे हैं। हाय गाइस, तो गाइस मेरे चावल बन चुके हैं, देखो
अभी मैंने फिलहाल इतने डाले और पापा जो लेंगे वो फिर बाद में ले लेंगे, ठीक है? अभी मेरे चावल है, मैं पापा को दे के आती हूँ, बातें बातें करते हैं आपसे। पता मैंने कितना काम किया था, सांझ को होमवर्क करवाया था और ढेर सारे कपड़ों पर प्रेस भी करी थी, सारे कपड़ा लगा दिए, फिर इसके पापा आगे खाना वाना बनाया। अब मैं फ्री हूँ फिलहाल, मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और रात के 12:30 बज रहे हैं। इस टाइम तक आधी दुनिया ना आधी नींद ले ली है। इस टाइम तक के साथ इस ब्लॉग का मैं यही पेंट करती हूँ। आज फिर मेरा आधा घंटा जल्दी काम खत्म होना है, फिर मेरे 1 बजे काम खत्म होना है। आज थोड़ी जल्दी आ गया तो थोड़ी जल्दी खत्म। चलो गाइस बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और देखो आज मेरी चप्पल गई है, नहीं आपको दिखाती हूँ मैं, देखो दिखी दिख गया, ये ली मैंने पहन ली है, तेरी ये आज ही आई है मेरे लिए, मैं कैमरा करके दिखाऊँ ना गाइस तो पता ना मेरे फ़ोन इतना ख़राब हो रहा है, स्पीड बढ़ जाए, आवाज़ ना आवे, मैं तो बैक कैमरा से ब्लॉग बनाने को मन ना करता, मैंने सच बताऊँ। तो चलो गाइस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का लास्ट करते हैं।